राजगढ़ में आगामी चुनाव का रास्ता साफ हो गया है। बता दें, लगभग चुनाव अब तय माने जा रहे हैं। ओबीसी वर्ग के लिए ऐतिहासिक फैसला आया, आगामी चुनाव ओबीसी आरक्षण में होंगे। इसी को लेकर भाजपा में जश्न का माहौल है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने राजगढ़ नगर के नाका नंबर 3 पर मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया। इस फैसले को ओबीसी वर्ग के लिए अहम फैसला व ऐतिहासिक फैसला बताया गया है। ओबीसी वर्ग की श्याम मंडलोई, श्याम सिंह गुर्जर, मंडल अध्यक्ष मनीष जोशी ने मुख्यमंत्री एवं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का आभार जताते हुए एक दूसरे को मिठाई खिलाते हुए खुशियां मनाई। भारतीय जनता पार्टी के अभी जिला कार्यालय मंत्री हूँ। आज मध्य प्रदेश सरकार ने जो याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई थी, सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय हुआ आया है, उससे पूरा राजगढ़ नहीं पूरे मध्य प्रदेश का ओबीसी वर्ग बहुत खुश है। मैं वो दिन याद दिलाना चाहता हूँ सभी को कि कांग्रेस ने झूठे वादे करके और ओबीसी को भ्रमित करने का काम किया था। कांग्रेस की 17 महीने की सरकार में ओबीसी को 14-27% आरक्षण की जो झूठी वादा किया था, कहाँ गए वो दिन याद करो कि 2 लाख हम माफ करेंगे। झूठे झूठे वादे करके पूरा ओबीसी को भ्रमित करा था। मैं माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष श्री बीडी शर्मा जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ पूरे ओबीसी वर्ग की तरफ से कि आपने हमारी चिंता करी, सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ी और आज ओबीसी को 27% आरक्षण पूरे देश में नहीं है, वो मध्य प्रदेश में ओबीसी को 27% आरक्षण मिल रहा है। मैं मध्य प्रदेश सरकार को, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सबको, पूरा ओबीसी वर्ग से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ और बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि आपने ओबीसी वर्ग की चिंता करी है।